दोस्तों एक बार फिर से पूरे YouTube और सोशल मीडिया पर तहलका मचा हुआ है। 24 जुलाई के एस्टेरॉयड को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि यह हमारी धरती के लिए खतरा साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इस एस्टेरॉयड के बारे में एकदम सटीक जानकारी देने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप एक स्पेस लवर हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दे और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कमाल का वीडियो। दोस्तों 2020 कई वैश्विक परेशानियों के कारण मुश्किल भरा बीत रहा है। दुनिया भर में इस दौरान बहुत सी परेशान कर देने वाली घटनाएं घट रही है और 2020 में अंतरिक्ष में भी हलचल मची हुई है, जिस वजह से नासा लगातार चेतावनी जारी कर रहा है। और नासा ने इस बार एक विशालकाय और खतरनाक एस्टेरॉयड को लेकर चेतावनी जारी की है, जिसमें नासा ने कहा कि एक बहुत बड़ा उल्कापिंड काफी तेजी से धरती की तरफ आ रहा है। ये उल्कापिंड फेमस लंदन आई से भी बड़ा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, यूके के लैंडमार्क लंदन आई की ऊंचाई 443 फीट है और ये उल्कापिंड उससे भी 50% बड़ा है। यह उल्कापिंड कुछ दिन बाद 24 जुलाई को हमारी धरती के करीब से गुजरेगा। दोस्तों वैज्ञानिकों ने इस एस्टेरॉयड का नाम 2020 ND रखा है और साथ ही इस एस्टेरॉयड की लंबाई की बात करें तो वैज्ञानिकों ने इसकी लंबाई 170 मीटर बताया है और 24 जुलाई को यह एस्टेरॉयड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की रेंज के अंदर से गुजरेगा। दोस्तों एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की रेंज हमारी धरती से 150 मिलियन किलोमीटर का एरिया होता है। नासा के अनुसार 24 जुलाई को यह एस्टेरॉयड हमारी धरती से 55 मिलियन किलोमीटर दूरी से गुजरेगा। नासा इस एस्टेरॉयड को लगातार ट्रैक कर रही है, जिसके अनुसार इसकी रफ्तार की बात करें तो यह 13.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमारी धरती की तरफ बढ़ रहा है और 24 जुलाई को जब यह हमारी धरती के करीब से गुजरेगा तब इसकी रफ्तार होगी 48,000 किलोमीटर प्रति घंटा और यही तेज रफ्तार इस एस्टेरॉयड को सबसे खतरनाक एस्टेरॉयड बनाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती के पास से अक्सर ऐसे उल्कापिंड गुजरते हैं। कुछ उल्कापिंडों का आकार काफी छोटा होता है तो कुछ उल्कापिंड आकार में काफी बड़े होते हैं, लेकिन इस तरह के बड़े एस्टेरॉयड कभी कभार ही आते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इस उल्कापिंड के बारे में एक्सपर्ट का क्या कहना है। उनका कहना है कि उल्कापिंडों की रास्ता बदलने की संभावनाएं काफी कम रहती है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी रास्ता बदलता है तो फिर धरती की ग्रेविटी उसे अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। इसी तरह कोई कोई एस्टेरॉयड धरती के ग्रेविटी फील्ड में फंस जाते हैं, इसलिए हमारी धरती के लिए वो खतरनाक साबित होते हैं और यही वजह है कि नासा ने लंदन आई से 50% बड़े इस उल्कापिंड को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। दोस्तों आपको बता दें, इस तरह की घटनाओं पर दुनिया भर के वैज्ञानिक अपनी नजर बनाए रखते हैं। तो दोस्तों फाइनली ये कहना चाहूंगा कि इस एस्टेरॉयड से हमारी धरती को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि यह एस्टेरॉयड लगभग 55 मिलियन किलोमीटर दूरी से हमारी धरती के करीब से गुजरेगा और इतनी दूरी से हमारी धरती का गुरुत्वाकर्षण इसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। दोस्तों एक धूमकेतु हमारी धरती से इन दिनों साफ नजर आ रहा है, इस बारे में डिटेल में वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए फर्स्ट लिंक पर क्लिक करें और स्पेस लवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले।